हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हाजिर हूँ हमेशा की तरह लेटेस्ट अपडेट के साथ। दोस्तों ये जो भर्ती है सरस्वत बैंक की तरफ से आ रही है, इसके अंदर दोस्तों कुल 150 पोस्ट आई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों इससे जो डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही जेन्युइन, ऑथेंटिक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज़ाना आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं। सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों सरस्वत बैंक की ऑल ओवर इंडिया 283 ब्रांचेज हैं, ठीक है। 6 स्टेट्स के अंदर जो वैकेंसी रहने वाली है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात और न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों पोस्ट का नाम होने वाला जूनियर ऑफिसर, क्लरिकल कैडर की ये पोस्ट होने वाली है। एज की बात करें दोस्तों, आप जो है 21 साल से लेकर 27 साल तक इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाओगे। यदि दोस्तों आप जो है 2/2/1994 से लेकर 1/2/2000 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो दोस्तों आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो आपने यदि 60% मार्क्स के साथ जो है ग्रेजुएशन की है, डिग्री आपने कर रखी है तो दोस्तों आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। बीकॉम आपने कर रखी है या दोस्तों आपने बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आपने कर रखी है तो दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट, बीएससी जनरल, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, या दोस्तों आपने बीएमएस कर रखा है विद 60% मार्क्स तो दोस्तों आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। या दोस्तों मास्टर डिग्री की बात करें तो दोस्तों आपने जो है इन सब मास्टर डिग्री के अंदर जो दोस्तों आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स आपने ले रखे हो। मास्टर डिग्री जैसे आपने एम कॉम कर रखा हो, एम कॉम एडवांस्ड अकाउंटेंसी कर रखा हो, एम कॉम बिजनेस मैनेजमेंट कर रखा हो, एम कॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस कर रखा हो, एम एस सी जनरल आपने कर रखी हो, एम एस सी आई टी या कंप्यूटर साइंस आपने कर रखा हो, या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एम बी ए, एम एम एस या पी डी जी एम आपने कर रखा है तो दोस्तों आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि दोस्तों आप जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या दोस्तों फाइनल सेमेस्टर में है तो दोस्तों आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन ये रहने वाली है कि दोस्तों आप जो है 31/1/2021 तक जो दोस्तों आपने अपनी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लेनी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों आपका जो है एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर जो है दोस्तों आपको जो है कुल 190 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, ठीक है, और 160 मिनट आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, ठीक है, और आपको 35 मिनट मिलेगी। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट के, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट में, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट में आपको सोल्व करने हैं। कुल 190 क्वेश्चन, ठीक है, 200 नंबर के और 160 मिनट आपको मिलने वाली है। 1/4 की जो आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है इंटरव्यू इसके अंदर होने वाला है। आप जो है 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों आपका जो टेस्ट रहने वाला है 3 अप्रैल को आपका टेस्ट होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों आपको जो 750 रुपये इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें तो जो है दोस्तों इन्होंने जो है कुछ टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, आप यहां से चेक कर सकते हो। दोस्तों मैंने इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई और थाने और रायगढ़ में दोस्तों 85 वैकेंसी है, पुणे में 25, औरंगाबाद और जलगांव में 6 वैकेंसी है, नागपुर में 4 वैकेंसी है, कोल्हापुर और संगली में जो है दोस्तों 10 वैकेंसी, नासिक में 4 है और रत्नागिरी में दोस्तों 2 वैकेंसी है, गोवा के अंदर दोस्तों 4 वैकेंसी हैं, कर्नाटका के अंदर जो दोस्तों मैसूर, दावणगेरे, बेंगलुरु, मैंगलोर जहाँ पर जो है दोस्तों 4 वैकेंसी है, गुजरात में दोस्तों अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में दोस्तों 6 वैकेंसी है। टोटल 150 पोस्ट इसके अंदर आई हुई है। यदि दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्यूरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों ऐसे ही जेन्युइन, ऑथेंटिक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोजाना आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं।